न्यूज आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीच बहस में आप सबका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे पर फिर सवाल उठा है। दिन में दिल्ली वालों के सामने आम आदमी का दावा करने वाली पार्टी के नेता रात के जश्न में खास हो जाते हैं। मंगोलपुरी के विधायक राखी बड़लान ने कल अपना शाही जन्मदिन मनाया। पार्टी ऑनलाइन चलती रही, डांस मस्ती में कार्यकर्ता नेता डूबे रहे। राखी को 10 लाख की महंगी कार भी गिफ्ट की गई है। पार्टी में लात घूंसे भी चले, जमकर मारपीट हुई। आम आदमी पार्टी आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। बीच बहस का बड़ा सवाल यही है कि फिर केजरीवाल और उनके विधायक किस बात के आम आदमी? क्या पहली बार विधायक बनने के बाद राखी ने ऑटो से दिल्ली सचिवालय पहुंचकर आम आदमी होने का ढोंग किया था, या अब खास बनने की चाह जाग उठी है? आप भी देखिए राखी बड़लान की वीवीआईपी पार्टी ऑल नाइट। ये लोग कितने खास हो चुके हैं तस्वीरों के जरिए तो आपने जान लिया होगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल महंगे महंगे गिफ्ट को लेकर खड़े हो रहे हैं। एक हाथ से जो देता है वो दूसरे हाथ से लेने की कोशिश भी करता है। ऐसे में राखी बड़लान क्या दूसरों का हित भी साधेंगी? इस मुद्दे पर बीच बहस हम करेंगे। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अश्विनी उपाध्याय जी स्टूडियो में मौजूद हैं, आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन दिल्ली से जुड़ चुके हैं, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, और इसके अलावा रमजान चौधरी साहब योगेंद्र यादव के सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुड़गांव से। लेकिन उसके पहले आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया इस पार्टी ऑल नाइट पर आई है, और खासतौर से उस स्कॉर्पियो गाड़ी को लेकर, और बिल्कुल क्लीन चिट देने वाले अंदाज में किस तरह से दिलीप पांडे ने राखी बड़लान को लेकर अपनी स्थिति साफ की और यह कहा कि इसमें कुछ गलत नहीं है और वो स्कॉर्पियो गिफ्ट में नहीं दी गई है। राखी बड़लान ने भी इस पर सफाई दी है। दोनों को सुनते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर आपके पास कोई एविडेंस है मारपीट के तो आप हमें बताइएगा, उसमें रिजल्ट्स है जो भी है। और जो है कुछ वो प्रोटेस्टर्स नहीं थे, कुछ असामाजिक तत्व थे जो ऋतुराज जी को पिछले 15 दिन से ट्रैक कर रहे हैं, पिछले 15 दिन से परेशान कर रहे हैं। तो उसी को लेते हुए जब ऋतुराज जी आए थे, 10 मिनट के बाद वो लोग वहां पहुंचे, उन्होंने अननेसेसरी हंगामा करना शुरू कर दिया। वो ऋतुराज के ऊपर हमला करने के लिए और मेरे ऊपर हमला करने के लिए जबरदस्ती हॉल में घुस रहे थे, उन्हें रोका गया, उनकी तरफ से मारपीट का सारा काम शुरू हुआ। वो गाड़ी राखी की नहीं है, हमारे पास गाड़ी के पेपर्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। गाड़ी पार्टी के एक वॉलंटियर है अखिल प्रताप जिनका नाम है, उनकी गाड़ी है, उनके नाम से इंश्योरेंस पेपर्स है, उनके नाम से सारे गाड़ी के कागजात है, ये उनकी गाड़ी है। ताजमहल के सामने खड़ा होकर फोटो खिंचवा लेने से ताजमहल आपका नहीं हो जाता, वैसे ही गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाने से गाड़ी किसी की नहीं हो जाती। तो एक सौहार्दपूर्ण तरीके से, ठीक ठाक तरीके से एक बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था, और उसमें इस तरह से खबरों को बनाने की कोशिश करना हमें लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। किराड़ी विधानसभा के अंदर जुए खाने का और सट्टे का बहुत बड़ा एक रैकेट चलता है, और वहां के स्थानीय विधायक स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जो इससे परेशान है, एक बहुत लंबी मुहिम छेड़ रखी है। तो वहां के कुछ लोग जो इसके बेनिफिशरीज हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो उपद्रवी लोग हैं, वो ऋतुराज के पीछे पड़े हुए थे। ऋतुराज भी इस जन्मदिन के बर्थडे के सेलिब्रेशन में गए थे, उनके पीछे पीछे ये लोग वहां पहुंचे और वहां पे उपद्रव मचाने की कोशिश की गई। उसके पहले तक वहां का वातावरण बहुत सौहार्दपूर्ण था, बहुत अच्छा था, और इन लोगों की वजह थोड़ा हंगामा हुआ। ये सारे गलत लोग हैं, ये सारे लोग उस जुए खाने के अड्डों के सट्टेबाजी के जो अड्डे चल रहे हैं उनके बेनिफिशरीज हैं। दिलीप पांडे अनुशासन समिति के सदस्य भी हैं। एक बात तो साफ है कि एक तरफा फैसला देने में आम आदमी पीछे नहीं हटती है, अगर उनके नेता से जुड़ा हुआ सवाल हो। राखी बड़लान को लेकर भी दूसरे पक्ष की राय उन्होंने नहीं सुनी और सीधे सीधे क्लीन चिट दे दिया। और इसी पर सबसे पहला सवाल अश्विनी उपाध्याय जी आपसे ही है, आम आदमी पार्टी अब खास हो गई है क्या? आदत पड़ चुकी है उन लोगों को इस तरह की तस्वीरें दिल्ली के सामने रखने? नहीं नहीं, आज जिस तरीके से दिलीप पांडे का बयान आ रहा है उससे तो ये लग रहा है कि पहले तो आम आदमी पार्टी अरविंद आदमी पार्टी बनी, आम आदमी बाहर निकल गए, और अब ये अनजान आदमी पार्टी बन गई है। अब ये एएपी का मतलब अनजान आदमी पार्टी, जिस तरीके से आज वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं कुछ हुआ ही नहीं है। आप ये देखिए दिल्ली में इस समय हो क्या रहा है, कालाबाजारी माफिया और सट्टेबाज, बिल्डर माफिया लैंड माफिया बिल्कुल फुल अपने एकदम पैसे में आ चुके हैं। दो तस्वीरों को देखकर क्या कहेंगे, एक तरफ झगड़ा हुआ मारपीट की गई और दूसरी तरफ जो स्कॉर्पियो खड़ी थी बकायदा उस पर रिबन लगा हुआ था, और वहां पर इस तरह की खबर बिल्कुल सामने थी कि ये गाड़ी राखी बड़लान को गिफ्ट की गई है। चित्रा जी, हम लोगों के बच्चों को अगर पड़ोसी 500 रुपए की कार गिफ्ट करता है, 500 रुपए की स्कॉर्पियो, तो ये आशा करता है कि हमारे बच्चे के बर्थडे में 500 रुपए कार हमें देगा। बिल्कुल। और यहाँ 10 लाख रुपए की कार गिफ्ट हो जा रही है बिना किसी आशा के, निस्वार्थ भाव से,
ये क्या भगवत गीता के सारे शिक्षक हैं क्या? बिल्कुल सही कहा। और सोमनाथ भारती जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमनाथ भारती जी, स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट में लेना, मारपीट कर देना, ये आम आदमी पार्टी अब रही क्या? आप लोग तो बदल गए हैं। नहीं नहीं, देखिए बहुत, मैं एक तो बात साफ साफ कर दूं कि जिस तरह से ये एक ऑन स्लॉट चल रहा है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के इमेज को खराब करने की, बदनाम करने की, ये इसको देख के बड़े दुखद, बहुत दुख होता है मुझे। मैं देख पा क्या रहा हूं कि ऐसी कोई भी न्यूज जिससे कि अरविंद केजरीवाल के इमेज को धक्का पहुंचे, जिससे कि आम आदमी पार्टी के इमेज को धक्का पहुंचे, बिल्कुल उसको इतना बड़ा चढ़ा करके पेश करना, पता नहीं क्या ये कौन चला रहा है, क्यों चला रहा है, इस जो जो जिस न्यूज के ऊपर आप अभी चला रहे हो, अपने नेशनल टीवी को चला रहे हो, सोमनाथ भारती जी एक पॉइंट रहता तो बात खड़ी होती, लेकिन एक चीज और बताइए, ऋतुराज से बात करके आपके अनुशासन समिति के सदस्य दिलीप पांडे की इज्जत दे देते हैं। राखी बड़लान बात कर दूं, बात कर दूं, बात कर दूं, भाई सुन तो लीजिए, पर सुनने का भी थोड़ा सा डाले। बिल्कुल मैं सुन रही हूं आपको, लेकिन इसके साथ आपको जवाब भी देना पड़ेगा ना, अगर आप गलत मुद्दे को उठाएंगे। नहीं नहीं, अभी जो मैं देखता हूं कि अभी इस वक्त कुछ भी हो जाए, एक कोई ऐसा वैसा भी कोई आदमी खड़ा होकर बोल दे कि भाई हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, उसको चलाने आप देर नहीं करते। अगर इस तरह के चैनल्स फॉरेन में होते तो कितने डिफेमेशन सूट्स आपको फाइल कर सोमनाथ भारती जी, अब चैनल के बारे में आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। सोमनाथ भारती जी, नहीं नहीं, आप धमकी मत दीजिए और ना ही इस तरह चैनल को सलाह देने की जरूरत है आपको। आम आदमी पार्टी किस तरह से सत्ता में आई, इसका आपको जवाब देना होगा। लोगों के साथ क्या पेशा ले, सोमनाथ भारती जी एक मिनट सुनिए, अगर आप ऑटो से जाकर विधानसभा पहुंचते हैं शपथ लेने के लिए, उस तरह की तस्वीर आप अलग दिखाते हैं, और अब स्कॉर्पियो गाड़ी गिफ्ट ले लेते हैं, कहते हैं कि हम गलत खबर चला रहे हैं। आपके पास क्या प्रूफ है गिफ्ट की? आपके पास क्या प्रूफ है गिफ्ट की? सोमनाथ भारती जी, आपके पास क्या प्रूफ है गिफ्ट की, मैं ये पूछ रहा हूं। देखिए अब कागज के पेपर भी हम आपको जल्द ही सामने ला कर रख के दे देंगे, लेकिन रिबन लगी, अगर गाड़ी किसी के भी बर्थडे में पहुंचती है तो उसका मतलब क्या निकाला जाता है, और वहां पर साफ साफ लोग उस गाड़ी के सामने खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं, लोगों में जश्न का माहौल है, कितना बड़ा गिफ्ट मिला मुझे। तो आप अपने चैनल का चरित्र बता रहे हैं, यहाँ आप एक स्पॉन्सर्ड चैनल हो गए हैं। सोमनाथ भारती जी, ठीक है, सोमनाथ भारती जी, दिल्ली में आपकी सरकार है, कम से कम आप सोच समझ के बोलिए। मैं बता रहा हूँ जी, और मैं खुले दिल में बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है मैं गलत बता रहा हूँ तो आप मुझे चोट मिलेगी। कोई रात को आपको देखिए, आपको पता नहीं है, स्कॉर्पियो कोई आपको दिन में देता है पता नहीं है, आपके सबूत गायब हो जाते हैं, आपका जन्मकाल गायब हो जाता है, वो भी आपको नहीं पता कि हो क्या रहा है। जितना पैसा आ रहा है, योगी आदित्यनाथ अपार्टमेंट आ रहे, विधायक आदित्यनाथ और साध्वी, जो विधायक 10,000 रुपए कमा रहे थे उनके मोटे कमर के बंगले बन गए महीने के अंदर। भाई आप तो अश्विनी भाई थोड़ा चुपी रहो, क्योंकि आपने तो जहां शरण लिया ना वहां तो बहुत प्रजातंत्र चल रहा है, वहां तो कॉमनल हार्मोनी है, वहां तो सभी खुश हैं, वहां पे तो डेमोक्रेसी है। जो बॉलीवुड का डाउन हो रहा है आपकी ओर से, जो यूटर्न लिया गया है, बॉलीवुड का डाउन हो रहा है। आप मेरी बात सुनिए, मेरी आपके विधायक दिल्ली में लाल बत्ती मना कर दी जाती है, उत्तर प्रदेश में आपके मंत्री लाल बत्ती से चलते हैं, और आप कहते हैं कि हम कुछ बदले नहीं, हमारी खबर को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। बॉलीवुड का डाउन आपकी ओर से किए गए, ये तो बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री ऐसे डांस नहीं करती, इतना खतरनाक डांस हो रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? आपके पास क्या प्रूफ है मुझे ये बताइए। आप कह तो रहा हूँ ना, आपकी राखी बिल्लान बन गई, आपके गोपाल जी राय बहादुर बन गए, सारे के सारे विधायक आपके, जो कल 10,000 रुपए जिनकी 10,000 रुपए सालाना इनकम थी, आज 300 गज के बंगले में रह रहे, जो 3 करोड़ का फ्लैट में रह रहे। मैंने सुनिए, मैंने खुले चैनल पे चलाया, आपके आपके चैनल पे दिखाया कि ये डीडीए का प्रूफ है, डीडीए कह रही है आरटीआई क्वेरी के रिस्पॉन्स में कि चेयरमैन साउथ एमसीडी ने, अरे आप एमसीडी भी चले गए, ठीक है, आप एमसीडी पर नहीं जाते हैं, हम आपकी विधायक के बर्थडे पार्टी पे ही रहते हैं, और जो गिफ्ट आप लोगों को महंगे महंगे मिल रहे हैं। सोमनाथ जी लौटियों में आपके पास, आलोक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। आपने चलाया आलोक जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, आम आदमी पार्टी के ही तमाम लोग हैं जो बकायदा एफिडेविट देते हैं और कहते हैं हमारे पास कोई भी कार नहीं है, यानी कि हम बेकार हैं, लेकिन लंबे लंबे काफिलों में अगर उनके नेता सड़कों पर चढ़ते हुए दिखाई देंगे तो इसको क्या कहा जाएगा?
देखिए समझता हूँ चित्रा जी, जिस तरह की इनकी कथनी थी और जिस तरह का इनका व्यवहार और आचरण है, ये पूरी तरह से विपरीत है। 360 डिग्री ये लोग टर्न ले चुके हैं। राखी बिरलान जी तो जो है, ये पहले भी इनको राखी बवाल मंत्री कहा जाता था। अगर किसी बच्चे की गेंद कार पर लग गई तो बवाल मचा देती थी ये, विधानसभा जाती थी तो बवाल करती थी, ऑटो से जाना और वहां पर जाकर इनोवा की डिमांड करना जब ये मंत्री थी, आपने और हमने पूरे दिल्ली ने देखा है। और जिस तरह से स्वराज से लेकर और स्कॉर्पियो कार तक का जो इनका सफर चल रहा है, ये पूरी दिल्ली भी देख रही है। रिबन से लगी हुई कार अगर वहां पर शामियाने के अंदर खड़ी हुई है, और फिर गोपाल पांडे जी या कौन से पांडे जी आए थे भी, वो कह रहे थे दिलीप पांडे जी, तो सब लोग तो कहीं ना कहीं एनजीओ में काम करते थे, अब आके सब नेता हो गए, ये लोग समाजसेवी हो गए बड़े बड़े, तो नए लोकपाल हो गए हैं ये लोग, अभी तनखा पर थे एनजीओ में। मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से ये लोग अभी जनता को क्यों है आपको, अभी तो अभी अभी तो आप अपने नेता को संभालिए कि राहुल बेचैनी हमें इसलिए है कि आपने दिल्ली की जनता को गुमराह कर दिया। अभी तो गुमराह की हुई जनता ने आप कहीं पर भी विषय को मत भटकाइए। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि रिबन लगी हुई वो गाड़ी किसने गई थी, क्या वहाँ पर किसी की शादी थी, क्या अभी कांग्रेस देखिए आपने कुछ भी नहीं करके दिखाया, आपने दो दो करोड़ रुपए, विषय को मत भटकाइए। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि रिबन लगी हुई वो गाड़ी किसने गई थी, क्या वहाँ पर किसी की शादी थी, क्या अभी कांग्रेस देखिए आपने कुछ भी नहीं करके दिखाया, आपने दो दो करोड़ रुपए रात के अंधियारे में आपने जो है वो ले लिया और आपको पता ही नहीं कौन दे। अरे भाई स्कॉर्पियो आपके घर में खड़ी। अरे सोमनाथ जी, सोमनाथ जी एक और महत्वपूर्ण सवाल है, सत्यवादियों ने एक आदमी को हाईकोर्ट है, उसके भाई को न्याय नहीं मिल रहा, सही क्या बात कर रहे हो आप लाशों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं सोमनाथ जी, आप लाखों के ऊपर राजनीति कर रहे हो, आपका एक बिल्डर माफिया रात को तुर्कमान गेट पे मारता है, दूसरा सत्ता माफिया आपको किराड़ी में मार रहा है, क्या हो क्या रहा है ये? भाजपा और कांग्रेस ने फॉरेन से डोनेशंस ले रखे हैं। फॉरेन की बात करो, किराड़ी में सत्यवादियों उसकी डेड बॉडी मिली, वो सत्यवाद आम आदमी पार्टी के समर्थक अंदर समझ गया आपकी बात। लेकिन सोमनाथ भारती जी महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, अगर दिलीप पांडे सीधे सीधे राखी बिरलान और उनकी टीम को क्लीन चिट देते हैं तो सिर्फ ऋतुराज के बातचीत के आधार पर ही आप पारदर्शिता लाने का दावा कैसे कर सकते हैं? दूसरे पक्ष से आप लोगों ने बातचीत नहीं की और सीधे सीधे कह दिया कि दरअसल दूसरे पक्ष की। देखिए आप देखिए मुझे नहीं, मैं बता तो रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए पहले, मैं सुनेंगे तब तो आप सुनने का आपको इंटरेस्ट नहीं है। हत्या हुई किराए में उसके परिवार के आप लोग सुन लेते हैं, जुड़ गए हमारे साथ एक बार, तो पहले भाई अश्विनी साहब को सुन लो, किराड़ी में जिसकी हत्या हुई है उसके आप में कोई गया मिलने उससे? अगर सोमनाथ जी बोलिए, सुन रही हूँ मैं। अरे भाई अश्विनी जी थोड़ा चुप रहो, गिरिराज सिंह जी के पार्टी वाले लोग थोड़ा चुप रहो, कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले लोग थोड़ा चुप रहो। सोमनाथ जी विषय को भटके मत, विषय को भटकाइए मत, तो अपना सट्टा माफिया किराड़ी में जाके हत्या कर रहा है, आपका समर्थक सट्टा माफिया किराड़ी में हत्या करता है, किडनैप कर रहा है। सुन लेते हैं अगर जिस, अरे भाई सुन तो लो सोमनाथ जी अपनी बात पूरी करें, सुन लो, माना कि हमें 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 मीडिया को मैनेज करना नहीं आता, चुप रहे, माना माना कि आपके पास बहुत, एक सेकंड सोमनाथ भारती जी, बार बार आप क्यों सवाल खड़े कर रहे हैं हम लोग, ये नहीं है सोमनाथ भारती जी, एक सेकंड सोमनाथ भारती जी आप मेरी बात सुनिए, सोमनाथ भारती जी एक सेकंड, आप इस तरह से सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं। बोल रहा आप लोगों की नेता की ओर से अगर इस तरह की कार्यशैली को अंजाम दिया जाता है तो सवाल खड़े होंगे ही, और आप बार बार मीडिया पर सवाल नहीं उठा सकते। अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी को धक्का नहीं, आपने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व को और उनके छवि को धक्का पहुंचाने का बार बार जो अच्छा करते हैं तो उस चीज को भी दिखाया जाता है, सोमनाथ भारती रहते हैं और लेकिन आम आदमी पार्टी होने का अगर आप दावा करेंगे और पीछे का चेहरा कुछ और होगा तो दिल्ली की जनता उस बात को भी समझे, ऐसे थोड़ी चलेगा। सोमनाथ जी पाखंडी बाबा वाला आप लोग काम कर रहे हो, गुमराह कर, आप पाखंड कम, अगर आपको लग रहा हो, अगर आपको लग रहा हो घूमते हो रात को, आप लग्जरी गाड़ियां घूमते हो दिन में, एक कमरे के मकान बनाते हो रात को 400 गज के अगर आलोक की सब गरीबी को ढूंढ रहे हो, कोई तरीका है क्या सोमनाथ? अरे भाई मैं रमजान चौधरी जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, सोमनाथ भारती जी आज हम क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है इसलिए जवाबदेही और जिम्मेदारी आपकी जनता के प्रति ज्यादा हो जाती है, आपको सीधे सवालों के जवाब देने होंगे बजाय इसके कि आप मीडिया के ऊपर सवाल खड़े करें। मैं जवाब नहीं मैं अच्छा ठीक है मैं लौटती हूँ सोमनाथ भारती जी, लौटती हूँ आपके साथ, आपके ही पुराने सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनकी भी बातों को मैं शामिल करना चाहूंगी। रमजान चौधरी जी हमारे साथ योगेंद्र यादव के सहयोगी जुड़े हुए हैं, रमजान जी इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं।
चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं सोमनाथ जी इतने बड़े वकील कहा जाते हैं, उनका स्टेटस बनता है, लेकिन मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता। मैं बहुत छोटी अदालत में प्रैक्टिस करता हूं, लेकिन उसमें इतनी कहीं समझ नहीं लगी मुझे आज तक कि इतना बड़ा वकील होकर किस तरह की धमकी और किस तरह के सवाल और किस तरह की चीजें वो आम आदमी पार्टी के लिए उठा रहे हैं। तो मुझे तो इसी पे बड़ा मतलब बहुत चिंता व्यक्त हो रही है कि किस तरह से वो बात कर रहे हैं। दूसरी बात चित्रा जी, अब आम आदमी में कोई आम आदमी जैसी बात रह नहीं गई है। आम आदमियों को तो इन्होंने एक एक करके चुन चुन कर उनके सिद्धांतों को, स्वराज को, उसकी आत्मा को एकदम से अलग कर दिया है। अब तो ये खास लोग हैं, खास तरह की जो चीजें जैसे और दूसरी पार्टियों में होती थी, जिनके लिए हम लड़े थे, जिस तरह का हमने दावा किया था उस तरह की कोई चीज नहीं बची है। वीवीआईपी हम हो गए हैं, लाल बत्ती की गाड़ियों में हम हो रहे हैं, हमको बड़े बड़े गिफ्ट दिए जा रहे हैं। और ये तो बिरला जी का तो एक बहुत छोटा सा नमूना है। अगर आप देखेंगे जितने चीजें पर्दे के पीछे हो रही हैं, जिस दिन खुलेंगी चीजें और हमको पता है, आहिस्ता आहिस्ता अगर वक्त देंगे और आगे बातें चलेंगी तो क्या कुछ है इसमें। हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, बहुत बड़ा शर्मिंदा होना पड़ेगा। अभी तो हम थोड़े शर्मिंदा हैं। और ये जो सोमनाथ भारती जी हैं, मैं समझता हूं कि ये उस तरह के मतलब सोमनाथ भारती और दिलीप पांडे ये ऐसे वर्कर, ऐसे लोग हैं जो कभी आम आदमी रहे ही नहीं। उनके पीछे उनको इनाम मिला है, वहां पर्चा चिपकाने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र रचा था उन मुसलमान विधायकों के खिलाफ, उनका इनाम दिलीप पांडे जी को मिला कि उसको यहाँ का प्रवक्ता बना दिया, डिसिप्लिनरी कमेटी का मेंबर बना दिया। और सोमनाथ जी को जो इन्होंने गलत कारनामे किए हैं अपनी जिंदगी में, उनको ढांपने के लिए जवाब दे लेते हैं। बिल्कुल रमजान जी, आपकी बात मैं समझ गई, इसका भी जवाब सोमनाथ भारती जी आपसे। और सवाल ये भी, राखी बड़लान कहती हैं कि इस बात को सबूत दीजिए कि मारपीट हुई थी, जबकि तस्वीरों में साफ साफ मारपीट की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, और कितना झूठ बोलेंगे आप लोग? देखिए ऐसा है सोमनाथ जी, आप पहले भी ये बात कही, मतलब हम गवर्नेंस करने आए हैं, अब हमें गवर्नेंस का जिम्मेदारी सौंपी गई है, हम उसे करने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ये जो भाई किसी की गाड़ी, अगर कोई किसी अपनी गाड़ी से किसी के पास आता है तो आप उसको बोल देंगे भाई ये गाड़ी उसकी हो गई? अगर कोई, चलिए कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई है, लेकिन आवाज अगर मेरी आम आदमी पार्टी तक पहुंच और पा वो रही अगर वहां पहुंचते हैं, सोमनाथ जी, जी जी अपनी बात पूरी आप करें, सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, मेरी आवाज पहुंच रही है। मैं कहता हूं कि देखिए, एक जब भी कोई न्यूज आइटम बना करके आप जो पेश करते हैं, मैं आपकी आपके बहुत बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोग्राम से भी आते हैं, लेकिन ये सब जो आज जो चल रहा है इसका बेसिस, अरे सोमनाथ भारती जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके वहां पर नेता बैठ के मारपीट करेंगे, आप कहेंगे कि ये खबर नहीं है। सोमनाथ भारती जी एक सेकंड, खबर कैसे बनाना है, कैसे चलाना है, इसकी सीख लेने की जरूरत कम से कम आपसे नहीं है। आपको देखिए सोमनाथ भारती जी, खबर कैसे चलाना है चैनल पर, इसके लिए आप बहुत बड़े हैं। नहीं, आप नहीं सिखाएंगे, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, आप बहुत बड़े हैं। मुझे जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने दी है, आपने कहा ना कि गवर्नेंस, बता रहा हूं, एरोगेंसी से गवर्नेंस नहीं चलता है। दिल्ली की जनता ने, दिल्ली की जनता ने जो सेवा को मौका दिया है और जो कांग्रेस को जीरो और भाजपा को तीन पे पहुंचाया है, उसको हम पूरा करके दिखा रहे क्या हैं। क्या इसी वजह से आपने घमंड आ गया जब है? हम कुछ क्या इसी वजह से आप लोगों में घमंड आ गया है? क्या इसी वजह से जो लोग आप पूरा प्रदर्शन कर रहे थे उन लोगों के साथ आप लोगों ने मारपीट की? आपने माफिया जो है मर्डर करेंगे? नहीं सुनिए, बिल्डर माफिया मर्डर करेंगे? किसने मारपीट किया? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपका जन लोकपाल गायब हो गया, पूछना चाहता हूँ, क्या बात कर रहे हो? आप सुनिए, आपका अरे भाई अश्विनी उपाध्याय जी, आपको गायब हुआ कि आप हमें बोलने नहीं देंगे? में आपका 70 पे का जन लोकपाल गायब, आप मुझे बोलने का मौका देंगे नहीं देंगे? जोड़ना चाहते आपका 70 पे का जन लोकपाल गायब हुआ है। आलोक नहीं मिल रहा था प्रशांत भूषण, बिल्कुल अन्ना जी के ऑफिस में वो जी जल लोकपाल गायब हो गया। भी बोले दे आलोक, देखिए अगर आपने यही करना है कि बाउंसर जो रखे थे इन्होंने अपनी मीटिंग में, क्या वो इंडिया न्यूज ने रखे थे? बाउंसर जो के बाद वीआईपी के जो स्टीकर लगाए थे, क्या वो इंडिया न्यूज ने लगाए थे?
लाल बत्ती लगा के अगर मंत्री घूम रहे थे तो क्या इंडिया न्यूज ने लाल बत्ती दी थी? 2 करोड़ के चेक क्या इंडिया न्यूज ने दिए थे? आज कार्यकर्ता करने वाले विधायक रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या वो इंडिया न्यूज ऊपर अपना आरोप लगा रहे हैं, कमेंट करते हैं? अगर दाखिल दरवाजे पर आकर भाजपा उसमें आज के तारीख में सहयोग कहां से आई है? भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां देश को जाएंगे और कम्युनिस्ट को डिस्टर्ब करने में पीएचडी हासिल करना और दोनों पार्टियों को झूठ बोलने में एक से एक बड़ा पीएचडी हासिल खराब हो गया है। लेकिन मैं बता दूं, लेकिन दूसरा काम आगे सही आने लगा गए हैं ये लोग। आलोक जी अब अपनी बात पूरी, जनता ने आपको भी आईना दिखाया है कि आपका जो कथनी और करनी थी वो फर्क है। आप दूसरों को, आप चैनल्स को ब्लेम करेंगे, आप मीडिया को ब्लेम करेंगे, अगर मीडिया आपके पक्ष में दिखाए तो बहुत अच्छा लगता है, और इंडिया न्यूज अगर आपके खिलाफ कोई स्टोरी है उसको दिखाए तो मीडिया के ऊपर ये कह रहा हूँ जाते हैं आपके विधायक घेरा होता उसकी मारोरी होती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप चारों मेहमानों के जुड़ने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, आम आदमी पार्टी को कम से कम अब खुद के अंदर झांकना होगा, क्योंकि अगर वो एक उंगली सामने वाले के ऊपर उठाएंगे तो तीन उंगलियां खुद उनके ऊपर भी इशारा करती हैं, और कमी क्यों बढ़ती हुई चली जा रही है इसका ध्यान रखना होगा अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि लगातार जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं वो न ही आम आदमी पार्टी के लिए ठीक हैं और न ही दिल्ली की जनता के लिए। बीच बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही।